नमस्कार, मैं हूँ शरद व्यास और न्यूज ट्रैक के फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की सभी प्रमुख खबरों पर। गोवा में फिशिंग शिप से आतंकवादियों के पहुंचने की आशंका पर खुफिया जानकारी मिली है। राज्य के बंदरगाह मंत्री जय सालगमकर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर आतंकी हमले की आशंका के बारे में खुफिया सूचना दी है। इसके बाद उनके विभाग ने समुद्र तट पर स्थित सभी कोसैनी को वाटर सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और शिप को अलर्ट कर दिया है। पीएम मोदी कई मौकों पर तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कह चुके हैं। वे खुद भी तकनीक का काफी इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर वे काफी सक्रिय हैं और इस प्लेटफॉर्म पर काफी लोकप्रिय भी हैं। शुक्रवार को बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को तकनीक का इस्तेमाल करने का पाठ पढ़ाया। सलमान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके सजा स्थगन को लेकर सुनवाई पर असमंजस की स्थिति अब भी बनी हुई है। केस की सुनवाई कर रहे डीजे रविंद्र कुमार जोशी का तबादला हो गया है। अब इस मामले की सुनवाई चंद्र कुमार सोनगरा करेंगे। उन्हें नया जिला जज ग्रामीण बनाया गया है। आईपीएल 11 की शुरुआत मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच के साथ शनिवार को रात 8 बजे होगी। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है। रोहित शर्मा की टीम अब तक 3 आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी 2 बार ट्रॉफी उठाने का श्रेय हासिल किया है। सलमान खान की जमानत पर फैसला आज सामने आएगा। कल जोधपुर सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि शनिवार सुबह 10:30 बजे सलमान खान की जमानत पर फैसला उनके पक्ष में आएगा, मगर देर रात हुए एक बड़े फेरबदल में स्थिति काफी अस्पष्ट हो गई है। न्यूज ट्रैक के फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने और जानने के लिए जुड़े रहिए newstracklive.com के साथ। नमस्कार।